प्रश्न में हमें दिया हुआ है, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है, तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, तो धन कितना होगा? यहाँ पर मूलधन पूछ रहा, मूलधन बताना है। तो सबसे पहले हमें दर कितनी दे रखी है, आर यहाँ पे दिया हुआ है 20%, 20% समय दे रखा है, डेढ़ वर्ष, 1.5 लिख देंगे, और मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें अर्धवार्षिक की भी बात दे रखी है, तो अर्धवार्षिक होने की वजह से हमें क्या करना है कि इसकी दर को और समय में परिवर्तन करना होगा। तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं, जैसे कि वर्ष में हम अर्धवार्षिक करने के लिए हम वर्ष में हम दो का वर्ष को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 3। तो जितने से हमने वर्ष को गुणा किया उतने का हम दर में भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर हम 20 में भाग देंगे तो 2%, सॉरी ये हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। दस परसेंट हमारा ये अर्धवार्षिक के हिसाब से आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले अब क्या करना है कि ना तो हमें वार्षिक के हिसाब से दे रख वो ना तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा ना साधारण ब्याज दे रखा, तो हम साधारण ब्याज से निकालेंगे। तो साधारण ब्याज से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज निकालना है। तो माना कि 100 रुपये है, 100 रुपये हमने मूलधन माना, तो मूलधन मानते हैं 100 रुपये, तो साधारण ब्याज वार्षिक के हिसाब से कितना होगा, वार्षिक निकालेंगे। वार्षिक निकालने के लिए हम समय को दर से गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी 30, यानी कि तो यहाँ पर आ जाएगा 30 रुपये आ जाएगा। अब हम अर्धवार्षिक लेते हैं, अर्धवार्षिक ब्याज लेंगे तो 10 या 30, यानी दोनों जगह पर 30 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न में साधारण ब्याज से नहीं होगा, क्योंकि ब्याज जो है बराबर आ रहा 30-30। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते हैं, जैसे हमको समय दे रखा 30, सॉरी 3 दे रखा है, तो दर को ही हम उसी हिसाब से गुणा करेंगे उतनी बार, जिससे हमारा मूलधन आसानी से आ जाएगा। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज, एक बार तो हमें वार्षिक निकालना है और एक बार अर्धवार्षिक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1,000 रुपये हम 1,000 रुपये हम मूलधन मानते हैं, और अब यहाँ निकालेंगे हम वार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम वार्षिक मानेंगे। अब 2 वर्ष का निकालना, तो हम देखो यहाँ पर प्रथम वर्ष लिख देंगे और यहाँ पर
दूसरा वर्ष लिख देंगे। तो इनके नीचे हम लिखते जाएंगे। अब 1000 रुपये का 20% की दर से 1 साल का ब्याज होगा, ये वार्षिक लेंगे हम वर्ष का, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 रुपये आ जाएगा पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का लेंगे तो हमें आधा वर्ष का निकालना है, तो आधा वर्ष का निकालने के लिए क्या है, 1000 का 200, 200 का आधा कर देंगे, 100 आ जाएगा यहाँ। तो फिर हमें इसका भी लेना है, तो इसका इसका 20% होता है 40, तो 40 का हो जाएगा 20, आधा करेंगे 20, तो हमारा ये दोनों वर्षों का ब्याज निकल गया, 1.5 वर्ष का हो गया। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, कुल कर देंगे, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कुल ब्याज हो जाएगा हमारा 320 रुपये, 320 रुपये ब्याज आया। अब हम यहाँ निकालेंगे 100 रुपये पे ही निकालेंगे, 100 रुपये पे, ओ सॉरी 1000 रुपये पे निकालेंगे, और ये हमारा अर्धवार्षिक होगा। अर्धवार्षिक इसी तरह से निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, और यहाँ पे तीसरा वर्ष का निकाल लेंगे। तो 1000 का 10, अब यहाँ पे 10% के हिसाब से निकालेंगे, अर्धवार्षिक है तो 10% के हिसाब से आता है 100 पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का 1000 पे 100 है, और इस 100 पे आ जाएगा 10, मतलब जितनी संख्याएं हैं उन सब का तो ब्याज ही मूलधन बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। फिर हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे, इसका हो जाएगा 100 का 10%, 1000 का 10% 100, और फिर इस 100 का 10% 10, और इस 10 का 10% 1, और इस 100 का 10% 100 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद में हमारे पास में आएगा ये 331 रुपये हो जाएगा टोटल, 331 रुपये। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने पर हमारा आएगा 11 रुपये। तो 11 रुपये किसके बराबर है, 11 रुपये है 264 के बराबर। अब इसके लिए मैं इसको थोड़ा खाली करता हूँ, 11 रुपये बराबर है 264 रुपये के। दोनों का अंतर निकाला हमने, अर्धवार्षिक और वार्षिक का, तो 11 को 1000 में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000/11 से गुणा करेंगे, तो हमारा 1000 आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। तो वही प्रोसेस इधर दोहराएंगे 264 पे, तो 264 को भी हम 1000/11 से गुणा करेंगे, यानी कि 1000/11 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 2 की 22 और 11 4 44,
और ये 24,000 रुपये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,000 रुपये। तो मूलधन कितना होगा? 24,000 रुपये। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।